टोक्यो ओलंपिक के दिन भर के अपडेट्स और खेल जगत की खबरों के साथ मैं शिवेंद्र स्वागत करता हूं आपका लाइव लगातार पर। टोक्यो ओलंपिक के 14वें दिन भारत को हॉकी और कुश्ती में सफलता मिली। रेसलर रवि दहिया ने भारत के खाते में एक और मेडल डाल दिया, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने भी आज इतिहास रच दिया। हॉकी टीम ने कांस्य पदक के लिए खेले जा रहे मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। ये जीत कोई सामान्य जीत नहीं है, भारत को 41 साल बाद हॉकी में कोई पदक मिला है। कुल मिलाकर इस ओलंपिक में भारत के खाते में अब तक 5 मेडल आ चुके हैं। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया की बात करें तो दीपक पुनिया की आखिरी मिनटों में की गई गलतियां उन पर भारी पड़ी और वो 86 किलोग्राम वर्ग में मेडल से चूक गए। दीपक के पास आज ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। वहीं रेसलर रवि कुमार दहिया भी आज गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। रवि को 57 किलो वर्ग में फाइनल के मुकाबले में 7-4 से मात मिली। तो आज के लिए इतना ही। ओलंपिक के ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और पढ़ते रहें लगातार.in। नमस्कार।